अनुसार इस वक्त बड़ी खबर के इतिहासकार डॉक्टर युगम्बर सिंह बतवाल का निधन हो गया है। अस्पताल में दरअसल डेंगू का इलाज चल रहा था। डॉक्टर युगम्बर सिंह के निधन से शोक की लहर चल पड़ी है। साहित्यकारों और इतिहासकारों ने दुख जताया है। इतिहासकार डॉक्टर युगम्बर सिंह का निधन हो गया है। आपको बता दें कि अस्पताल में डेंगू का इलाज चल रहा था। डॉक्टर युगम्बर सिंह के निधन से शोक की लहर है। साहित्यकारों और इतिहासकारों ने दुख जताया है। इतिहासकार डॉक्टर युगम्बर सिंह बतवाल का निधन हो गया है डेंगू के चलते। ये जो है निधन हुआ है। आपको बताएं कि अस्पताल में इलाज चल रहा था और साहित्यकारों और इतिहासकारों ने इस पर दुख जताया है। इतिहासकार डॉक्टर युगम्बर सिंह का निधन से साहित्य जगत में दरअसल ये एक बड़ी क्षति है। डॉक्टर युगम्बर सिंह के निधन से शोक की लहर दौड़ पड़ी है। साहित्यकारों और इतिहासकारों ने दुख जताया है। इतिहासकार डॉक्टर युगम्बर सिंह बतवाल के निधन से साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। डॉक्टर युगम्बर सिंह दरअसल आपको बताएं कि डेंगू से बीमार चल रहे थे और इसके बाद उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया, जिसके बाद से ही जो है जो साहित्य जगत के तमाम लोग हैं वो दुखी हैं, क्योंकि साहित्यकारों और इतिहासकारों ने इस पर दुख जताया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इतिहासकार डॉक्टर युगम्बर सिंह बतवाल का निधन और अस्पताल में डेंगू का इलाज चल रहा था। डॉक्टर युगम्बर सिंह के निधन से शोक की लहर है। साहित्यकारों और इतिहासकारों ने इस पर दुख जताया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। युगम्बर सिंह डेंगू से पीड़ित थे, जिसके बाद उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था और इस पर बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार सूरवीर भंडारी मेरे साथ जुड़ गए। सूरवीर जी, ये साहित्य जगत के लिए बेहद दुख की खबर और बहुत बड़ी क्षति। जी, बहुत बड़ी क्षति है साहित्यकारों के लिए, पत्रकार लेखकों के लिए। और डॉक्टर योगेंद्र सिंह बतवाल जो है पेशे से तो ऑप्टिमिस्ट थे, लेकिन कालांतर में पिछले 30-35 साल से वो जो है साहित्य के क्षेत्र में, रचना धर्मिता के क्षेत्र में लगे हुए थे। और हेमंत कवि चंद्रपूर्ण बतवाल की जितनी काव्य कविताओं को, जो प्रकृति के चितेरे कवि हैं, उनको लाइन लाइट में लाने का पूरा श्रेय उन्हें जाता है। और वो पहाड़ के चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया थे, उन्होंने पहाड़ के एक एक कदम को नापा है। और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की लोक गाथाएं, यहाँ की लोक भाषा और तमाम चीजों पर उनका बहुत गहन रिसर्च था। और उनके निधन से निस्संदेह आज पहाड़ के जो साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं और जो संवेदनशील व्यक्ति हैं, वो बहुत क्षुब्ध हैं। मैं खुद बहुत उनसे पिछले 30 साल से जुड़ा हूँ। चंद्रकुमार प्रसाद सूरसुस्तान के वो केंद्र सचिव थे और मैं चंद्रकुमार प्रसाद सूरसुस्तान का यहाँ पर मसूरी में अध्यक्ष हूँ। इस नाते भी उनसे मेरा बहुत गहरा रिश्ता रहा है। और उनकी जो आज निधन हुआ 11 बजे के आसपास इधर देहरादून डेंगू से, ये अपूर्णीय क्षति है। और ऐसे मर्मज्ञ युगों में पैदा होते हैं। वाकई, चलिए बहुत शुक्रिया आपका सूरवीर जी तमाम जानकारी के लिए।